टीवी का फेमस सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल इन दिनों टॉप पर है। शो के पास एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट है जो शो में धमाल मचाते रहते हैं। इस सीजन के सबसे फेमस कंटेस्टेंट अगर कोई है तो वो है सनी हिंदुस्तानी। सनी ने अपनी परफॉर्मेंस से अब तक सबका दिल जीता है। सनी अपनी आवाज बॉलीवुड में भी दे चुके हैं। सनी दो गाने रिकॉर्ड कर चुके हैं जिनमें से एक गाना हिमेश रेशमिया की मूवी द बॉडी का गाना रोम रोम है। वहीं सनी हाल ही में फिल्म पंगा के लिए भी अपनी आवाज दे चुके हैं। इस बात की जानकारी शो के जरिए ही दी गई है। रविवार को हुए एपिसोड में सनी हिंदुस्तानी ने अपनी गायकी से सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। सनी ने छाप तिलक सब छीनी पर शानदार परफॉर्मेंस दी। सनी के इस गाने में जो सुर लगाए वो सुनकर सभी शॉक हो गए। इस हफ्ते शो पर अलका याग्निक और उदित नारायण आए थे। सनी की इस गजब की गायकी को सुनकर ये दोनों भी बहुत शॉकिंग नजर आए। सनी हमेशा ही अपने परफॉर्मेंस के दम पर शो में आए हुए मेहमानों का दिल जीत लेते हैं। कुछ टाइम पहले भी शो पर किशोर दा के बेटे अमित कुमार पहुंचे थे जिन्हें सनी ने अपनी गायकी से इतना खुश कर दिया था कि अमित कुमार ने सनी को अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए साइन कर लिया है। इसके अलावा सनी बॉलीवुड के दो गानों में भी अपनी आवाज दे चुके हैं और एक बार फिर सनी ने अपनी बेहतरीन गायकी से सभी का दिल जीत लिया है। सनी के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर वहां मौजूद जजेस कंटेस्टेंट गेस्ट ऑडियंस सभी खुश नजर आए। सभी ने सनी के इस गायकी की जमकर तारीफ की। सनी की आवाज सुनकर वैसे भी शो पर आए गेस्ट उदित नारायण सनी को अपना बेटा बना चुके हैं। सनी ने अपने इस परफॉर्मेंस से एक बार फिर से सभी का दिल जीत लिया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।